शून्यता जो है पूरी सृष्टि की शुरुआत और उसका अंत भी। पर ये है क्या? क्या खाली स्पेस वाकई खाली है या छिपी शक्तियों से भरा हुआ है? वो शक्तियां जो हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लोड करके उसे वजूद में लाई, और वो शक्तियां जो उसे कभी भी खत्म कर सकती हैं। आखिर क्या है ये शून्य? स्पेस, समय और जिंदगी, कॉस्मोस के रहस्य ऐसे ही वर्म होल्स में छिपे हैं। वॉइड यानी शून्य। बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने यहीं से पृथ्वी और आकाश को पैदा किया था। वैज्ञानिकों ने इस बिलीफ को एक अलग नाम दिया है और वो है बिग बैंग। पर कोई भी चीज वहां से कैसे पैदा हो सकती है जहां लगता है कुछ है ही नहीं? नथिंगनेस के इस कॉन्सेप्ट के असली नेचर को समझना शायद मॉडर्न साइंस की सबसे ज्यादा उलझाने वाली पहेली है। और ये रहस्य इसी में छिपा है कि यूनिवर्स कहां से पैदा हुआ और क्या हम और हमारे आसपास की हर चीज वापस शून्य में मिल जाएगी। शुरू में पृथ्वी का कोई आकार नहीं था। जब आप बच्चे थे, क्या आपने कभी भी अपनी आंखें बंद करके खुद को अंधेरे में तैरते हुए महसूस किया था, जैसे आप बिल्कुल शून्य में तैर रहे हो? मैंने किया और हमेशा नाकाम रहा। मैं जितनी भी कोशिश करता, खुद को अपने दिल की धड़कन और दिमाग में घूमती सोचों से अलग नहीं कर पाता था। आज भी जब मैं कोई कल्पना करता हूं तो कुछ है कि ही कल्पना कर पाता हूं। नथिंग यानी कुछ नहीं कि नहीं। स्लावा टरिशेव नासा के एक फिजिसिस्ट हैं जो हमेशा से नथिंग के सपने देखते रहते हैं कि वहां जाने पर नथिंग कैसा लगेगा। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ वो रूस की एक लॉन्च साइट बैकनूर से छूटने वाली रॉकेट्स की ट्रेजेक्ट्री के ठीक नीचे था। मुझ पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा। स्लावा ने अपना बचपन रॉकेट बनाते हुए बिताया। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन आउटर स्पेस की शून्यता में जाएं। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं स्पेस फ्लाइट में जाना चाहता था, और यहां तक कि 90 के दशक में मैंने रूस के स्पेस शटल के लिए ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। रशियन शटल के ना होने से स्लावा आउटर स्पेस में नहीं जा सकती थी। पर एक फिजिसिस्ट के नाते उन्होंने पता चला लिया कि वो स्पेस जिसने अंतरिक्ष को भर रखा है पृथ्वी पर हर जगह मौजूद है। बस यहां कहीं भी खालीपन नहीं है, और अंतरिक्ष की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए 100 करोड़ डॉलर के रॉकेट की भी जरूरत नहीं। उसके लिए तो सिर्फ एक बाल्टी पानी चाहिए। यह एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। मुझे एक बाल्टी में बस थोड़ा सा पानी डालना होगा। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में दरअसल सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने सोचा था। हम देखना चाहते हैं कि बाल्टी को स्पिन करने पर इस पानी के साथ क्या होगा। तो आइए अब इसे धीरे धीरे स्पिन करते हैं। बस हो गया। आप देख सकते हैं कि बाल्टी में पड़ा पानी पूरी तरह शांत है। अब देखिए क्या होता है। आइजैक न्यूटन का ख्याल था कि बाल्टी के साथ उसमें पड़ा पानी भी स्पिन करेगा, जैसे हम स्पिन करती हुई अर्थ के साथ घूमते हैं। लेकिन शुरू में स्पिन करती हुई बाल्टी के साथ पानी नहीं घूमा। हालांकि आखिर में बाल्टी की भीतरी दीवारों के फ्रिक्शन की वजह से पानी ऊपर उठने लगा था। तो आप देख सकते हैं बाल्टी में
पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। पर जब बाल्टी को घुमाया गया था तो शुरू शुरू में पानी बिल्कुल स्टिल रहा था। फिर न्यूटन की समझ में आया कि कोई तो चीज है जिसने पानी को अपने गिर्द की बाहरी दुनिया के साथ जोड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा कि वो जोड़ जरूर स्पेस ही होगा, जो बाल्टी के बाहर तो है ही, उसके भीतर भी मौजूद है। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि स्पेस में कुछ नहीं है, वहाँ कुछ तो है, और वो कुछ इस बात पर काफी असर डालता है कि मैटर कैसे मूव करे। न्यूटन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि स्पेस का कुछ नहीं कुछ है कैसे हो जाता है। पर 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की रिवोल्यूशनरी थ्योरी ने साबित कर दिया कि न्यूटन का आइडिया बुनियादी तौर पर सही था। स्पेस, या जैसे उन्होंने इसे रिफॉर्मुलेट किया था, स्पेस टाइम एक कपड़े की तरह है जिसमें यूनिवर्स का सारा मैटर बुना हुआ है। स्पेस जिसने यूनिवर्स के हर कोने को भर रखा है, उसके भीतर के हर चीज के साथ लगातार रस्साकशी का खेल खेलता है, चाहे वो प्लैनेट्स हो, बाल्टी में भरा पानी हो, या कागजों का गट्ठर। तो अगर खाली स्पेस नथिंग है तो क्या है? फ्रैंक क्लोज एक पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने जाना कि खाली स्पेस यानी नथिंग की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाय एंड्रयू। हाय फ्रैंक। तो ये एक मेटल ड्रम है और आप इसे बाहर से चोट किए बिना भी पिचका सकते हैं, यानी बिना कुछ किए सिर्फ नथिंग की ताकत से। ये काफी ड्रामेटिक होगा। अच्छा होगा मैं ये हेलमेट पहन लूं, है ना? हाँ, बिल्कुल जरूर। हाँ, तो अब क्या करूं? बस अब इस पंप को ऑन कर दीजिए। ओके। वाह, ये है नथिंग की पावर। हमने ड्रम के भीतर की सारी हवा निकाल दी थी और उसके बाहर का एटमॉस्फेयर उस पर 10 टन पर स्क्वायर मीटर का दबाव डाल रहा था, जिसे सहन करना ड्रम के मेटल के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो एक खाली ड्रम पर 10 से 20 टन का दबाव और बिंगो। नेचर की बुनियादी ताकतों को समझने की कोशिश में फ्रैंक ने बताया है कि खाली स्पेस ठोस मैटर को इम्प्लोड करने से भी कहीं ज्यादा ताकत रखता है। उनका ख्याल है कि वो मैटर के हर काम में इंटरफियर करता है। 19वीं सदी में माना जाता था कि अगर आप किसी चीज में से सारी हवा निकाल दें तो उसमें सिर्फ वैक्यूम बचेगा। ये बिलीफ ऐसी ही रहती अगर हमने क्वांटम थ्योरी का आइडिया डिस्कवर न किया होता। और क्वांटम थ्योरी के सभी रहस्यों में एक बड़ा रहस्य ये भी है कि आप कभी भी किसी भी पल पूरी तरह नहीं जान सकते कि वहां कितनी एनर्जी है। एनर्जी को बहुत ही कम समय में बोरो भी किया जा सकता है और एक्सचेंज भी। इसलिए मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में वैक्यूम एक बहुत ही वायलेंट जगह है, हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे महसूस नहीं करते। खाली स्पेस उबलती हुई एनर्जी की झाग है, जैसे पिघले हुए मेटल के बुलबुले। और फ्रैंक और उनके साथी पार्टिकल फिजिसिस्ट्स के पास अब इस बात के सबूत भी हैं कि ये एनर्जी यूनिवर्स की बुनियादी ताकतों की असली शक्ति की मार से हमें बचाती है, जैसे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिकल रिपल्शन की ताकत। एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की कल्पना कीजिए जो यहाँ बैठा आसपास के स्पेस में अपने टेंटिकल्स फैला रहा है। अब मैं एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की मदद से इनके बीच की एनर्जी को मापूंगा। जैसे जैसे ये दोनों पास आएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी। पर अब क्वांटम थ्योरी की मदद से हम जान चुके हैं कि वहां बैठा इलेक्ट्रॉन दरअसल पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं है, वो हर तरफ से क्वांटम वैक्यूम से घिरा हुआ है। दूसरे शब्दों में वो एक तरह के होल में कैद है और वो होल उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स के असर को कम कर रहा है। यही बात इस दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी लागू होती है। फ्रैंक मानते हैं कि इन सभी होलों यानी एनर्जी श्राउड्स की वजह से आज तक लिए गए इलेक्ट्रिकल फोर्स के सभी माप गलत हैं। पर अब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बनाए गए लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसे एटम स्मैशर से हम पूरी कहानी जान सकते हैं। यहाँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स 108 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से टकराते हैं और एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि आखिरकार अपने खोलों को तोड़ डालते हैं। आखिरकार इलेक्ट्रिक फोर्स के वो बादल दूसरे खोलों में घुस जाते हैं
और इस तरह से फैलते हैं कि हमें सिर्फ एक दूसरे पर असर डालते बिना होल वाले इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि उनके बीच की एनर्जी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। फ्रैंक का मानना है कि जिस तरह आंखों का प्रोटेक्टिव चश्मा एक वेल्डर को वेल्डिंग की तेज रोशनी से बचाता है, उसी तरह खाली स्पेस अपने आप ही यूनिवर्स को कुदरती ताकतों की असली शक्ति से बचाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द बने खोलों को तोड़ना संभव होता तो हमने वैक्यूम के हर असर को खत्म कर दिया होता, मगर उसके साथ ही पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो जाता, क्योंकि क्वांटम थ्योरी के बिना एटम्स और मॉलिक्यूल से बने उसके पूरे स्ट्रक्चर का कोई वजूद ही ना रहता। वैक्यूम में घूमती कुदरत की बुनियादी ताकतों को कंट्रोल करने वाले एनर्जी के बिना वो काबू से बाहर हो जाती और हमारा पूरा यूनिवर्स टूटकर बिखर जाता। पर यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इस कंट्रोलिंग कवर के अंदर इतनी एनर्जी कैद होनी चाहिए कि वो एक ऐसा विस्फोट कर सके जो आज तक के सभी विस्फोटों से ज्यादा भयंकर हो। इस लिहाज से खाली स्पेस विस्फोट के लिए तैयार बारूद का एक ढेर भी हो सकता है।